अगर आपने अभी तक दिल्ली मेट्रो में सफ़र नहीं किया है और आप सफ़र करने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, मेट्रो स्टेशन में घुसते ही पहले आपका बैग सैनिटाइज होगा, उसके बाद आपकी जो है आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे आप यहाँ आएंगे, अपने हाथों को डालेंगे तो आप अपना हाथ सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद आपका सिक्योरिटी चेक किया जाएगा। यहाँ से आपके बैग्स अंदर जाएंगे, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मैं आपको दिखाऊं कराया जा रहा है। ये जो स्टिकर्स हैं यहाँ पर, हर एक स्टिकर के पीछे आपको एक खड़ा होना होगा, जिससे 6 फीट की दूरी यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उनका पूरी तरह से पालन होगा, जिससे मेट्रो ने अपनी सेफ्टी, जो आपकी और जो उनके अपने स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। उसके अलावा इन्होंने जो मेटल डिटेक्टर्स हैं जिसके थ्रू सिक्योरिटी चेक्स किए जाते हैं उनकी लंबाई बढ़ा दी है, ताकि जो सिक्योरिटी कर्मी है उनको संक्रमण की जो प्रॉब्लम है वो ना हो या उन तक जो कोविड है वो ना पहुँचे। साथ ही साथ थर्मल स्कैनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि थर्मल स्कैनिंग से ही आपको थोड़ा जो है डिटर्मिनेशन कोविड का दिखेगा। तो अगर ज़रा सा भी आपका टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा है नॉर्मल टेम्परेचर से तो आपको सफ़र करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नोएडा से INS TV के लिए अनन्या भटनागर।